वेलकम टू शॉर्ट्स पार्ट। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल के महीने में टॉप 8 जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके लिए आप इंडिया के कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स या फिर पीडब्ल्यूडी सभी के लिए वैकेंसीज आउट है, सभी इसके लिए एलिजिबल है। सो पहले हम देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन 2023। जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एग्जाम का नाम है CBI एग्जाम 2023। पोस्ट है अप्रेंटिस की। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 5,000 एंड जो कैटेगरी है वो है बैंक जॉब। सिंपल एक बैंक जॉब होता है वही। एंड जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही ईजी है, बेसिक है। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है वो है 20 to 28 years। ये जनरल वालों के लिए है, ST SC या एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से है। जो लास्ट डेट है वो है 3rd of April 2023। तो टाइम थोड़ा कम है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन रनिंग मतलब स्टार्ट हो चुकी है तो टाइम बहुत ही कम है। जो सेकेंड में है वो है EPFO मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 2023। जो पोस्ट का नाम है वो है स्टेनोग्राफर एंड SSA की पोस्ट की वैकेंसीज आउट हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दोनों की मिला के है 2,859। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 12 पास एंड SSA के लिए की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन। जो एज लिमिट है वो है 18 to 27 years। ये भी सिर्फ जनरल वालों के लिए है, ST SC या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से मतलब एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। आप वो नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। इनकी जो नोटिफिकेशन है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इसी के जो चेंज इन एग्जाम पैटर्न के ऊपर एंड डिटेल जो नोटिफिकेशन के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, जो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 27th of March मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। जो लास्ट डेट है वो है 26th of April 2023। इसके लिए ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। फिर हम देखेंगे NWDA मतलब नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, LDC की, UDC की एंड आदर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 40। वैकेंसीज बहुत ही कम है लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी है, परमानेंट जॉब है। एंड जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 12 पास या फिर ITI या फिर ग्रेजुएशन। मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जो एज लिमिट है वो है 18 to 30 years। जो एप्लीकेशन रनिंग मतलब स्टार्ट हो चुकी है एंड जो लास्ट डेट है वो है 17th of April 2023। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है। फिर हम देखेंगे इग्नू। इग्नू यानी नेशनल सॉरी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ये मतलब जो वैकेंसीज आउट हुई है। जो पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 200। ये टेंटेटिव है मतलब जो वैकेंसीज का जो नंबर है वो अभी भी क्लियर नहीं है। फिर भी यहाँ पे मतलब नोटिफिकेशन में दिया गया है 200 नंबर ऑफ वैकेंसीज। और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 12 पास। अगर आपको 12 पास की मतलब क्वालिफिकेशन में कोई अच्छी गवर्नमेंट सर्विस चाहिए तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए। इसी के साथ आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी रिक्वायर्ड है। अगर आप मतलब इंग्लिश चूज करते हैं तो 40 वर्ड पर मिनट एंड अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट। तो ये एक क्वालिफाइंग नेचर का आपका टाइपिंग टेस्ट भी वहां पे होगा। जो एज लिमिट है वो है 18 to 27 years। ये जनरल वालों के लिए है, ST SC OBC के लिए अलग से है। जो एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, लास्ट डेट है 20th of April 2023। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इस नोटिफिकेशन के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, जो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा और आपको हमारे वो टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। फिर है सेल से नोटिफिकेशन। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पोस्ट है माइनिंग मेट, सर्वेयर, कंसल्टेंट एंड अदर। बहुत सारी वैकेंसीज है बहुत सारे पोस्ट के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 239। क्वालिफिकेशन है 10th पास या फिर डिप्लोमा या फिर ITI मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन। एंड जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 41 ईयर्स। मतलब यहाँ पे भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। जो एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, लास्ट डेट है 15th of April 2023। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। फिर है CPCB से। जो पोस्ट का नाम है वो है MTS, UDC, LDC,
डीईओ, असिस्टेंट एंड अदर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 163 वैकेंसीज कम है, लेकिन पोस्ट अच्छे हैं। जो क्वालिफिकेशन है वो है 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई। एज लिमिट है 18 to 35 ईयर्स, एज लिमिट अच्छी है। एंड जो एप्लीकेशन है वो है रनिंग, मतलब शुरू हो चुकी है। जो लास्ट डेट है वो है 31st of March, मतलब आपके पास एक दिन है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आज ही फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम देखेंगे सीआरपीएफ से नोटिफिकेशन आउट है। ये बहुत ही अच्छी एक वैकेंसी, इसमें नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। पोस्ट है कांस्टेबल, टेक्निकल या फिर ट्रेड्समैन। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 9212 वैकेंसीज, मतलब बहुत ज्यादा वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आउट है। जो नो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 10 पास 12 पास आईटीआई, मतलब अगर आपने 10 पास या 12 पास के साथ आईटीआई किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। जो एज लिमिट है वो है 18 to 27 ईयर्स। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 27th of March से, एंड जो लास्ट डेट है वो है 25th of April। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल इसके लिए भी एलिजिबल है। फिर है लास्ट दिल्ली दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से। जो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट एंड अदर्स, मतलब बहुत सारे पोस्ट है। एंड जो वैकेंसीज है टोटल वो है 258। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 10th पास या बीटेक या डिप्लोमा या फिर आईटीआई। जो एज लिमिट है वो है 18 to 30 ईयर्स। एंड जो एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है इसकी भी लास्ट डेट है 7th of April 2023। आपके पास थोड़ा टाइम है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनके नोटिफिकेशन को जरूर चेक कीजिए एंड अप्लाई कर लीजिए। इसके लिए भी ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।